माइंड में सर्वेयर का क्या काम है? सर्वेयर रहते हैं ना जी, एक दो चार पांच वो रहता है, कोई कोई माइंड में, कोई में एक ही रहता, दो ये रहता है। सर्वेयर का काम क्या है? ड्यूटीज ऑफ सर्वेयर तो बहुत बड़ा है, उसमें दो लाइन में बोलिए ना क्या काम है। फॉर कैरिंग आउट सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सर्वेइंग करेगा, लेवलिंग करेगा, एक काम है। उसके बाद ये जो सर्वेइंग और लेवलिंग किया तो उसके आधार पे क्या करेगा, वो प्लान और सेक्शन को प्रिपेयर करेगा। यही दो काम है उसका मेन चीज। क्या काम है सर्वेयर का? फॉर कैरिंग आउट सर्वेइंग एंड लेवलिंग, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन एज रिक्वायर्ड अंडर दीज रेगुलेशंस। सीएमआर में जो जो प्लान और सेक्शन बोले गए हैं उनको प्रिपेयर करेगा और मेंटेन भी करके रखेगा, ठीक है। ये काम है सर्वेयर का। किसको अपॉइंट कर देंगे? मैनिंग सर्वेयर को सर्वेयर बना देंगे? नहीं, जिसके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होगा। कितने सर्वेयर रखेंगे? कितने सर्वेयर रखेंगे? एक या एक से अधिक सर्वेयर अपॉइंट किए। कौन अपॉइंट करेगा? ओनर एजेंट और मैनेजर करेगा। देखो तो यहां यही ना एक बात लिखा जी, एट एवरी माइंड वन आर मोर सर्वेयर टू बी अपॉइंटेड बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर। ओनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा एक या एक से अधिक सर्वेयर अपॉइंट करेंगे होल्डिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट। जिसका सर्वेयर सर्टिफिकेट होगा किसी को नहीं करेंगे। फॉर कैरिंग आउट सर्वेइंग एंड लेवलिंग, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन। एक बात खत्म हुआ। दूसरी बात कि क्या एक माइंड का सर्वेयर को दूसरे माइंड में अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और यदि करना है तो चीफ इंस्पेक्टर माइंड से परमिशन लेना होगा। नो सर्वेयर टू बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन माइंड विदाउट द परमिशन ऑफ सीआईएम। नो सर्वेयर टू बी अपॉइंटेड इन मोर देन वन माइंड विदाउट द परमिशन ऑफ सीआईएम। सीआईएम के परमिशन के बिना सर्वेयर को किसी अन्य माइंड में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हुआ। कितना सर्वेयर रखिएगा? नंबर ऑफ सर्वेयर या स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, एंड दिस इज गाइडेड बाय द गाइडलाइंस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यही लिखा देखिए, नंबर ऑफ सर्वेयर एज पर सीआईएम गाइडलाइंस। अब मेरे पास तो भैया चार सर्वेयर है, यदि कोई कानूनी अड़चन आता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई को तो बोलेगा मेरा नहीं काम था, मेरे बोलेगा मेरा नहीं काम था। तो हम करते क्या है, चार है मेरे पास, चारों को उनकी ड्यूटी सौंप देते हैं बाय लेटर इन राइटिंग। वर्बली में कुछ नहीं होता, इन राइटिंग। कि माइंड के इस पार्ट के लिए, बहुत बड़ा माइंड है तो इस पार्ट के लिए आप जिम्मेदार है, इस पार्ट के लिए आप जिम्मेदार है, इस पार्ट के लिए आप जिम्मेदार है। अब उनमें से हम क्या करते हैं, एक सर्वेयर को जो सबसे सीनियर होगा उसको ओवरऑल इंचार्ज बना देते हैं, एंड ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान्स एंड सेक्शन रिक्वायर्ड बाय द सीएमआर, ओके, एंड हु शैल कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द सर्वे वर्क इन द माइंड। वो माइंड में जितने भी सर्वे वर्क होगा उसका सुपरविजन भी करेगा, माइंड में जो रेगुलेशन के हिसाब से प्लान और सेक्शन प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब उन चारों में से किसी एक को हमने क्या बना दिया, हेड बना दिया, तब ना वो ओकरा पकड़िएगा। बाकी को तो छोटा छोटा काम देकर रख दिया, एक को सबका सुपरवाइजर बना दिया। देखिए यही बात लिखा है, इफ मोर देन वन सर्वेयर इज अपॉइंटेड, यदि एक से अधिक सर्वेयर जहां अपॉइंट हुए हैं वहां की बात, एक है तो सब कुछ ओकरा दिख रहा है। इफ मोर देन वन सर्वेयर इज अपॉइंटेड इच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्ट ऑफ माइंस असाइन टू हिम। ओनर एजेंट मैनेजर शैल अपॉइंट वन ऑफ द सर्वेयर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान्स एंड हु शैल बी कोऑर्डिनेट एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ सर्वे वर्क। दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। इसके बाद स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर को बताते, ये मालूम रहना चाहिए। और बच्चा लोग को और एक बात बता रहे, वो लोग हमारे टाइम पे एक चीज था कि सर्वेयर का उम्र 23 साल होना चाहिए, उसी को रट ले है भैया अभी तक। अरे हमारे टाइम था 2017 में उसको हटा दिया, ओमिट कर दिया, तो काहे ले उसको याद करके दिमाग खराब करता है। वो डाइजेस्ट में ये लिखा था, अरे भैया वो डाइजेस्ट 20 साल पहले लिखा हुआ है, 10 साल 5 साल पहले लिखा है, अभी नया चीज आए तो अपडेटेड ना होना होगा।
अब लिखा है सर, तो अब लिख दिया, अब तू पढ़ लिया तो मैं जिम्मेदार हूं या कोई जिम्मेदार है? आपको करंट का चीजें देखना होगा, अपडेटेड रहना होगा। डॉक्टर लोग को देखा है कभी बड़का बड़का बुक पढ़ते रहता है, वकील लोग को देख रहा पुस्तक पढ़ते रहता, बड़का बड़का बुक रखा रहता है सेल्फ में, काहे रखा रहता है? अपडेटेड रहना होगा, आउटडेटेड नहीं। अब आउटडेटेड पढ़ लीजिएगा, बोलेगा हेलमेट के बारे में ऐसा था सर, हम तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में बताए थे हेलमेट फुटवेयर और क्या क्या, बहुत सारी चीजें ग्रुप में भी डाल दी है, सीआई रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो आप लोग के काम आएगा, लेकिन देखो नहीं करते। ग्रुप में भी हम भेजते रहते उसको भी नहीं देखते, जो 25-50 लड़का लोग देखता वही पास भी होगा। फिर बोलेगा कुछ इंपॉर्टेंट बता दी, इंपॉर्टेंट क्या होता, सब न पढ़ना पड़ता, वही ना इंपॉर्टेंट है। जितना मेरा सीएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट है या मेरे चैनल में और अदर प्लेलिस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम इंपॉर्टेंट ही चीज ना पढ़ा रहे, बेकार की चीज पढ़ा के क्या करेंगे, नाम आलतू फालतू बात करते हैं वीडियो में।